नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हो सदाए पंजाल और मैं हूँ आपका मेज़बान आफ्ताब मीर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा मकसद जो है गरीबों की आवाज़ है, हमारा मकसद जो है गरीब की आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक पहुँचाना है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि दिगवार तेड़ुआ का इलाका जो है ये बिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ अक्सर जो है गरीब लोग पाए जाते हैं। तो इसमें आज एक बुज़ुर्ग साहब से हमारी मुलाकात हो रही है, जो कि जो हैं बुज़ुर्ग भी हैं और साथ उनका जो है वो माजूर भी हैं। तो इसी सिलसिले में इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है थारो? मेरा नाम अमन देन है जी। अमन दिन जी, तुम दसेंगे अपना कि थारो ये दर्द जी है कद उठी थी, किस है उठी? यह 2002 में उठी जनाब। मैं लगो मारी जमीन में, तो वो कोई मकान का साथ मेन लग गया खेती के बीच। रात का समय लाया और हमने कोई पता नहीं था कि रात क्या होगी। हम तार हिरण गया गए कि यह तार किसने फेरी और मेन वो मारी लाता भी। अच्छा, ये 2003 की गाल है कि थारो जड़ी लाती है उठ गई है, उठ गई। तो उस टाइम तो हम क्यों गया था न्यू अपनी जमीन में, मतलब गया था अपनी जमीन में। हम हैरान गया था कि ये तार किसने फेरी जी। तार रातों रात फौज ने फेर छोड़ी, हम उठ गया उसे गर्दी। तो लड़को था मेरा एक, वो भी उठ गया। हम दो वापस माजूर हो गए। गवर्नमेंट की तरफ कोई हमने मदद नहीं। एक बारी आर्मी ने थोड़ा बहुत पैसा दिया था, और कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, जमीन भी नहीं, मुआवजा भी नहीं, तो ना हमने कोई कल्याण कुछ नहीं। लास्ट बॉर्डर पर बसा ग्रां का सिर हद बना, खेती बाड़ी जड़ी है मेन फील्ड का भी चल रही है, कोई उसको मुआवजा भी नहीं इसको। और हम अपना टाइम चुकान तो बड़ा मजबूर मशहूर हो गए, टाइम हमारा तो नहीं टपता। यही बात है जी। उस तो बाद जी हमने एक सरकार की तरफों जी है स्कीम जी है गरीब मजदूर लोगों वास्ते एक जी पेंशन लाई हुई है, तो तुमने इस टाइम कितनी पेंशन जी है गवर्नमेंट तरफों लगा रही है? जनाब हमने 1000 रुपया, 1000 रुपया हमने। तो 1000 के ऊपर क्या थारो खर्चो जुड़ा वो कार्गो चल जाए? वो भी मेरा लड़का की नहीं है, उसने को दिमागी जेन भी है, दिमागी जेन उसने जान नहीं दे तो उसका कागज पत्थर भी नहीं बने। वो इशारा बैठे बाद हूँ 1000 रुपये ली बस महीने में। तो थारा लड़का की लत भी उठी है वह कर के कि साल में उठी लत? वह मेरा तो बाद 3 साल बाद उठी, मेरा तो बाद 3 साल में 2002 5000 में 2005 में वो भी जगह। तो थारो उस लड़का तो बगैर रोड जुड़वा इस टाइम कार कर नालो जुड़वा कारो कारोबार के नालो कौन है जनाब? थो एक ही लड़को थो था और कौन था? एक बच्ची थी तो बाद शादी हो गई, इसकी बच्चा जो एक ही था बस, और कोई नहीं, कारोबार करने वाला बंद ही कोई। तो इस टाइम थारो गुजारो जुड़ो वो किस लगा लो? बहुत मुश्किल है जनाब, गुजारो करना हमारा बहुत मुश्किल है। किसी आंटी गांटी ने सवाल जवाल कर को हमने आटो दो किलो चक्की बना हमने चक्की तोड़ी हमने जा सकते। तो आखिर में तुम गवर्नमेंट तुम एडमिनिस्ट्रेशन में न के कहना चाहेंगे कि मारी के मदद की जाए? मारी कोई मदद करो जी, हम इस वे दो बाप पुत मजदूर हो गया, कोई मदद करो गवर्नमेंट मारी भी। हम पुंछ की सिराद पर लास्ट बॉर्डर पर बैठा हुआ, मारा थोड़ी को कोई तो नहीं, कोई सुनाई नहीं करता, कोई कुछ नहीं, कोई कौन नहीं, कोई आता नहीं, लाजिम। मैं आपको बताता चलूं कि ये इनके जो है इनकी खेत जो है सारी में जो है वो मेन फील्ड जो है पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है, तो उसमें माइन लगा दिए गए हैं। तो ये अचानक जब दिन को निकले घर से, तो रात सुबह घर से निकले तो बगैर तार के आर्मी ने जो है रात में जो है माइन लगा दिए, उसकी वजह से इनका जो जो है ये पाँव ये हादसे का शिकार हो गए। तो उसके 3 साल के बाद जो है इनका लड़का भी ऐसे ही जो है अपनी खेती में इधर माइन लगाए, तो उससे वो भी हादसे का शिकार, और दोनों जो है एक अल्लाह पाक की एक बड़ी नियामत से पाँव से महरूम हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी अपील है कि ऐसे लोगों को देखा जाए, ऐसे लोगों की मदद की जाए। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करूंगा कि इनका करने वाला कोई नहीं है, आके मौका देखो आके, अगर अगर ये लोग अगर ये लोग सच कह रहे हैं तो इनकी मदद की जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।